कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है और कोरोना वॉरियर्स दिन रात मानवता को बचाने में जुटे हुए हैं। देश भर के लोग भी इस मुसीबत से पार पाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पालमपुर उपमंडल के छोटे से गांव भरमाद के 58 वर्षीय विद्या देवी ने ये साबित कर दिया है कि यदि जज्बा हो तो आपका करोड़पति होना जरूरी नहीं है। मात्र 3 से 4 हजार महीना कमाने वाली विद्या देवी ने अपनी कमाई से एसडीएम पालमपुर को 5,000 रुपए का सहयोग दिया है। प्रदेश के राज्यपाल ने भी विद्या देवी के जज्बे की सराहना की। पालमपुर उपमंडल के छोटे से गांव भरमाद की 58 वर्षीय विद्या देवी रोज समाचारों में देखती पढ़ती कि लोग कैसे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। विद्या देवी के पति बीमार है, दोनों बेटे भी मेहनत करते हैं और लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। चूल्हा चौका मनरेगा की दिहाड़ी से चलता है। देश पर आए इस संकट की घड़ी में वो भी अपना योगदान देना चाहती थी। एक महीने में मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपए कमाने वाली विद्या देवी ने 5,000 रुपए का सहयोग दिया है। इतना बड़ा सहयोग देने के लिए हर कोई विद्या देवी की प्रशंसा कर रहा है। विद्या देवी के इस जज्बे को देखकर हर कोई हैरान है। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी स्वयं फोन कर उनके इस सहयोग की सराहना की। राज्यपाल ने विद्या देवी से फोन पर बात कर कोरोना योद्धाओं के लिए सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने पालमपुर प्रशासन को विद्या देवी द्वारा 5,000 का सहयोग देने पर उन्हें बधाई दी। हाँ सर, मेरे को कॉल आई थी कि फोन आना है, फिर अभी थोड़ा देर 10-15 मिनट पहले फोन आया मेरे को शिमला से राज्यपाल जी का, और उन्होंने बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने योगदान किया है, मनरेगा में काम करते हो फिर भी आप ऐसे क्यों किए। मैंने बोला सर मेरी इच्छा थी कि बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा दान करूँ, ज़्यादातर नहीं थोड़ा सा करूँ, फिर मेरे को शर्म आती थी कि मैं इतना सा कैसे दूँ। फिर मैंने न्यूज़ सुनते थे हम, पालमपुर पुलिस वाले देते थे न्यूज़ की 100 रुपये भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं है, 100 भी दे सकते हैं। फिर मेरे को हिम्मत आई, चल मैं भी दे देती हूँ, इसलिए फिर मैं कल जाके गई और मैंने बोले, फिर एसडीएम सर ने बोले कि इतना मत दो आप आए, यही हमारे लिए बहुत है। मैंने बोला नहीं नहीं सर, मैंने तो देना ही, तो मैंने अपने मन में सोचा कि देना तो ये तो मैंने देना ही है, ये तो कुछ भी नहीं है। कई लोग कितना कितना दे रहे, हम तो कुछ नहीं दे रहे सर, और अपने घर के तो सोचे तो सर कभी भी पूरा नहीं होता है, ये तो चलो किसी बेचारे कई फंसे हुए आदमी है, कोई क्या है तो किसी काम आएगा, चलो थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा कुछ। सहयोग राशि देने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंची विद्या देवी से मिलकर एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने उनके जज्बे को सलाम किया। एसडीएम ने कहा कि ये सहयोग लाखों रुपए से अधिक है। एसडीएम पालमपुर ने राज्यपाल के निर्देशों पर स्वयं विद्या देवी के घर जाकर उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट किया है। कि आप क्या करते हैं, तो मुझे पता चला कि ये मनरेगा में भी कार्य करते हैं, मनरेगा का कार्य करते हैं, और घर में मैंने इनसे पूछा तो पति बीमार हैं, डिस्पाइट दैट फिर मैंने इनसे इवन रिक्वेस्ट भी की, बट परंतु इनका दृढ़ निश्चय था कि मैंने अपना अंशदान करना ही है। तो ये राशि जो लेके आए वो राशि बहुत महत्वपूर्ण थी हमारे लिए, हमने इनसे, इन्होंने जो राशि हमें दी, फिर मैंने इसकी चर्चा परिचर्चा भी जब की तो मुझे लगा कि ये अखबारों के माध्यम से उच्च स्तर पे भी गई, तो आज मुझे राजभवन से, हिमाचल प्रदेश राजभवन से दूरभाष पे मेरी बातचीत हुई, तो महामहिम राज्यपाल जी का संदेश मुझे मिला कि मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ी है, तो अगर इन्होंने इतना अच्छा कार्य समाज में, समाज के लिए किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी तरफ से इन्हें प्रशस्ति पत्र दें। तब उनके आदेशानुसार हम इनके घर यहाँ आए हैं आज, और कुछ छोटा मोटा जो हमसे बन पड़ता था, सैनिटाइजर्स, मास्क या कुछ फल, उसके साथ महामहिम राज्यपाल जी का प्रशस्ति पत्र भी इन्हें दिया गया, और उन्होंने इनका नंबर लिया विद्या जी का, और विद्या जी से उन्होंने बात भी की, तो और बात करके हमें पता चला कि ये इनके द्वारा किए कार्य को बहुत सराहा गया है। तो मैं चाहूँगा कि समाज के और लोग भी आगे आएं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजीत निप्पी की रिपोर्ट।